हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जिसमें प्रवासी मजदूरों को रेलवे ट्रैक पर नहीं चलने देने का निर्देश दिया गया है। तो ये पत्र जो लिखा गया है केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से, राज्यों के मुख्य सचिवों को ये चिट्ठी लिखी गई है, इसमें प्रवासी मजदूरों को रेलवे ट्रैक पर नहीं चलने देने का निर्देश दिया गया है। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर पैदल भी ना चलने दिया जाए। अगर सड़क पर पैदल चलते हुए प्रवासी मजदूर मिलते हैं तो उन्हें शेल्टर होम ले जाया जाए। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस समय मौजूद हैं। ओम प्रकाश, बताइए जरा और इस खबर के बारे में, इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है, क्या इस सिलसिले में भी कोई जिक्र इस चिट्ठी में कि किस तरीके से मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए, या सिर्फ और सिर्फ कड़े कानून की बात की गई है कि रेलवे ट्रैक सड़कों पर मजदूरों को ना चलने दो? नहीं रोमना, मैं आपको बता दूं कि इसमें निर्देश के साथ साथ ये भी बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये कल जो कैबिनेट सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये मुद्दा उभर कर सामने आया था। और इस दौरान ये बताया गया था कि इन लोगों के रेलवे ट्रैक पर या पैदल चलने की वजह से अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं जिसके चलते काफी लोग मर गए हैं। इसके बाद कैबिनेट सचिव ने इस बारे में केंद्रीय गृह सचिव से चर्चा की और केंद्रीय गृह सचिव ने आज इस बात को लेकर तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि रेलवे ट्रैक या सड़कों पर इन श्रमिकों को पैदल न चलने दिया जाए। राज्यों से कहा गया है इसके लिए श्रमिक ट्रेन और ज्यादा चलाने के लिए रेलवे से सहयोग किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी ऐसे श्रमिक पकड़े जाएं उनको पास के शेल्टर होम में ले जाया जाए, उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाए, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और उन्हें तब तक शेल्टर होम में रखा जाए जब तक उनसे उनके बस या ट्रेन द्वारा उनके राज्य तक पहुंचाने की व्यवस्था न कर दी जाए। ये स्पष्ट तौर के निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश बता रहे हैं कि इस तरीके से चिट्ठी में लिखा गया है कि रेलवे ट्रैक या सड़क पर मजदूरों को ना चलने दिया जाए, इस तरीके से अगर मजदूर पाए जाएं तो उनको जो भी नजदीकी शेल्टर होम है वहां पर ले जाया जाए, उनके रहने खाने की सुविधा कराई जाए। और साथ ही राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वो रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट करके और श्रमिक एक्सप्रेस चलवाएं ताकि मजदूरों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? Work deadlines may be stay updated always. So smart ki ye kare sirf blue tick wali news pick. Just like ghar jaisa comfort hai best, waise hi apni language mein news ki feel hai lit. Anytime food delivery ke time par mili apne favorite anchor se kisi bhi time. ABP Live app ke saath raho sabse aage. Download now.